नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इस वक्त हम राखी गढ़ी के अंदर खड़े हुए हैं, जिसको एक ऐतिहासिक गांव माना जाता है। अगर इसका गांव का जिक्र करें तो ये 600 ईसा पूर्व से पहले बसा हुआ है और यहां पर अनेक चीजें निकलती रहती है। हड़प्पा संस्कृति की बात की, ये गांव को बहुत ही कम लोग ऐसे हो गए जो नहीं जानते हो गए। अगर बात की जाए राखी गढ़ी की, जो पानी की है, पानी की बात की जाए तो बाढ़ आ चुकी है राखी गढ़ी के अंदर। आप कैमरामैन से कहेंगे एक बार पानी दिखाया जाए, पानी कितना कितना चढ़ चुका है। यहाँ पर फसलों की बात की जाए तो फसलें नष्ट हो चुकी है, और बात की जाए मकानों की तो वो गिरने की कगार पर है। आप चारों तरफ देख सकते हैं बारिश का कितना कहर मंडराया है राखी गढ़ी के अंदर। कुछ यहाँ पर किसान भाई है, उनसे बातें करेंगे। सर बात की जाए पानी की, ये सर कितने टाइम से, मतलब पानी की जो समस्या है बारिश के पानी, कितने टाइम से समस्या आ रही है? 5 दिन से। इससे पहले कोई ऐसा हालात नहीं हुई है? नहीं, इससे पहले नहीं था। बात की जाए 1995 और 2005 में बाढ़ आई हुई थी, कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। 95 से भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा। वो तो ज्यादा नहरों से हुई थी, नहरों से हुई थी उस टाइम पे। अब तो पानी बारिश का ही सारा। अगर बात की जाए जो फसल है, वो फसल बर्बाद हो चुकी है, सारी खत्म हो ली। कितने परसेंट की, कितने एकड़ भूमि की जो फसलें बर्बाद हो चुकी है? ये देख लो, भूमि पड़ी कम से कम 70% 70% खत्म है। 70% बिल्कुल नष्ट। आप खड़े इसमें देख सकते हो पानी कितना सारा एरिया। ये हमारे जो ट्यूबवेल देख लो, 2-2.5 लाख रुपए में ट्यूबवेल लगवाए, ये भी खराब होने लग रहे हैं, बोर बैठ लिए, सारे खत्म हो गए। बात की जाए यहाँ के विधायक की, यहाँ के विधायक कौन है? राम कुमार गौतम। उनसे आपने इस बारे में कोई शिकायत वगैरह की है? नहीं, कोई किसी की सुनते नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। शिकायत की आपने? जी बिल्कुल। अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन का व्यक्ति आया नहीं है? कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी। अगर बात की जाए मुआवजे की, तो इससे भी पहले ये 5 दिन से जैसे की है बारिश का पानी इतना इकट्ठा हो चुका, बाढ़ आ चुकी है इसके अंदर, इससे भी पहले बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है इतना यहाँ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अगर मुआवजे की बात की जाए तो मुआवजा वगैरह सरकार ने? कुछ नहीं देती, पहला खेत रखा, कुछ नहीं दे रही। जैसे कि आपने धरने की बात की, कहाँ पर बैठे थे? बेड़ी चौक पर बैठे थे। कितने टाइम तक बैठे थे? बैठे रहे कम से कम 1.5 महीना। 1.5 महीना, और उसके बाद भी मुआवजे की बात की जाए वो नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया अभी तक, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं आया। मुआवजे के अंदर फॉर्म वगैरह अप्लाई करने होते हैं, वो सब कुछ किया था? सारा सब कुछ रखा है, सब किया हुआ। बीमा के पैसे लग कट रहे हैं सर? बीमे के जो बीमा कंपनी है ना, तो मतलब बैंक से बीमा काट लेते हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता उसका, बीमे का कोई पैसा नहीं मिला। 15-20 हज़ार रुपये काट लेते हैं, लेकिन फिर बीमा नहीं देते। वो जो रिलायंस कंपनी है ना, ये बीमा करती है बैंक मत है, और फिर वो वापिस पैसा नहीं देती, फ्री के पैसे लेती है। सर अगर आई साल बीमा कटता है, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसका आई साल बीमा ऑटोमेटिक कट जाता है, वो हम भरते हैं, लेकिन वापिस एक पैसा नहीं मिलता। अगर बात की जाए बीजेपी सरकार के जो विधायक है आपके गौतम जी, उन्होंने एक बार भी यहाँ पर आके नहीं देखा है। वोट मांगने के टाइम पे कहते, वोट मांगने टाइम पे घर घर हंडेंगे, और फिर बाद में जीते पास कोई को नहीं आंदा। जितने टाइम से वो विधायक बने वहाँ पर एक बार भी गांव में नहीं आए? जी गांव में कोई नहीं आया। अगर गांव की बात की जाए, गांव के हालात भी कुछ इस प्रकार ही है? नहीं, गांव के हालात क्या करें जी, गांव में वोट दे देते हैं, बना देते हैं, फिर दोबारा कोई नहीं सुनता हमारी। गौतम जी दोबारा कभी गांव में नहीं आए। आप सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? हम तो मुआवजे की जांच सोच रहे थे, खर्चा बोर्ड जी वो मिले मिलना ही। आपको क्या लगता है, जैसे कि अदरवाइज जो यहाँ के विधायक है, प्रशासन यहाँ पर आ भी जाता है, तो आपको क्या लगता है वो देख के चले जाएंगे, फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे? सुना ये नहीं करते, जा भी लिए उसके पास। कितनी बार गए सर? एक 2-3 बार जा लिए पानी के, उसके जो पीछे रोड तोड़वाया हाल इसका बारे में भी गए, बोले हम बात करेंगे। बस वही बात है, बात करेंगे, मिट्टी गोली दे के टाल देते हैं, टाल दिए। आपकी फसल नष्ट हो गई है, उसके मुआवजे के लिए सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहिए? मुआवजा मिले जी, हम मरे पड़े हैं,
मुआवजा मिल जाए, जिंदे रह जाए, नहीं मरे पड़े हैं। वैसे तो इस गांव को ऐतिहासिक गांव कहा जाता है कि दूर दूर से ऐतिहासिक गांव कहा जाता है जी। गांव में जाके तो देखो, अगर बात की जाए प्रशासन की कोई चीज निकलती हड़प्पा कालीन की तो वहां पे दूर दूर के लोग, डीएसपी प्रशासन के बहुत सारे लोग आते हैं। तो जी कोई मंत्री आता तो रोड पे भी झाड़ू निकालते हैं, बाकी कोई सुनाई नहीं करता किसी की। बस उसी दिन पानी बिजली सफाई सफाई उस दिन करते थे, बाकी कुछ नहीं सुनाई करते। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली क्या कुछ है? बिजली नहीं, बिजली भी 3 दिन में आई है, जब वो भी आधे गांव में है। और पीने का पानी? पीने का पानी तो है ही नहीं, पीने के पानी बिजली के है? बिजली के बगैर पीने का पानी भी नहीं आता, सप्लाई सब बंद पड़ी है, परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या करें अब, कोई सुनता नहीं हमारी। ठेके पे जमीन ले रखे 45,000 रुपये किला ले रखे, पानी में डूबे पड़े हैं। पैसे पहले देते हैं, फसल आएगी ना आएगी, आएगी कहाँ से, पानी भरे पड़े।